मित्रों, यदि आप घुमक्कड़ी के शौकीन हैं, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आज हम लद्दाख के कई रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल हिमालयन हैशटैग्स में। लद्दाख का नाम सुनते ही आपके जेहन में क्रिस्टल क्लियर वाटर, डायमंड की तरह चमकता हुआ सूरज, पेंगोंग, सोमोरीदी आदि के पानी में चमचमाते हुए पहाड़, एक से एक सुंदर तथा विशाल मोनेस्ट्रीज, बौद्ध भिक्षुओं का मनमोहक संगीत आदि आदि। इन्हीं विशेषताओं के कारण विश्व भर के पर्यटक यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। लद्दाख विश्व भर में शांत स्वभाव के लोगों, उनके ट्रेडिशन, कल्चर एवं विशिष्ट त्योहारों के लिए भी जाना जाता है। नए साल के आगमन पर मनाए जाने वाला उनका लोसर नामक त्योहार तो विश्व विख्यात है। लेकिन आज हम आपके सामने लद्दाख के कुछ ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करेंगे कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये रहस्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला, क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में ही स्थापित है। हेनले नामक गांव में स्थापित यह रिमोट टेलीस्कोप विश्व का पहला विशालतम रिमोट टेलीस्कोप है। विशाल नीलामकुल पठार पर बसे इस गांव में प्राचीन हेनले मोनेस्ट्री भी स्थित है। शानदार बादल रहित आकाश तथा लो एटमोस्फेरिक वाटर वेपर्स के कारण ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, सब मिलीमीटर तथा मिलीमीटर वेवलेंथ के लिए यह विश्व की बेस्ट साइट भी है। दूसरा, यहाँ एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पृथ्वी की ग्रेविटी भी फेल हो जाती है। जी हाँ, यहाँ का मैग्नेटिक हिल ग्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का एहसास भी नहीं होता। यह स्थान लेह कारगिल राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ जाते हुए आप मार्ग में गुरुद्वारा पत्थर साहिब, लद्दाख यूनिवर्सिटी तथा कारगिल युद्ध पर बेस्ड हॉल ऑफ फेम को भी देख सकते हैं। अरे हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ के द्रुक्पा मोनेस्ट्री में जाएंगे तो आपको मैरून कलर की पोशाक पहने हुए कुंगफू नंस मिल जाएंगी। यह इनका लगभग 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है। ये नंस एक 650 किलोमीटर लंबी इको पद यात्रा भी करती हैं, जो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए की जाती है। सैल्यूट टू कुंगफू नंस। और हाँ दोस्तों, लद्दाख आइस हॉकी रिंक विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेचुरल आइस हॉकी रिंक है। इस स्थान पर विंटर स्पोर्ट्स 1970 के दशक से चले आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में लद्दाख ही वह भूभाग है जहां पर आपको डबल कूबड़ वाले ऊंट मिल जाएंगे। इन ऊंटों को अंग्रेजी में ट्विन हम्ड बैक्ट्रियन कैमल कहते हैं। इनका नेटिव प्लेस गोबी का डेजर्ट है और ये ऊंट -40 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। साथ ही लद्दाख एक ऐसी टेरिटरी है जिसे लैंड ऑफ 1000 फेस्टिविटीज भी कहते हैं। यहाँ के लोग हर एक अवसर को त्योहार की तरह मनाते हैं। आपको यहाँ फेस्टिवल ऑफ लोसर, हेमिस तथा टकटोक भी देखने को मिलेंगे, जिनमें अनएंडिंग जॉय एंड फन का पुट मिलेगा। आप यहाँ पर उनके रीति रिवाज और डांस के देखने के सैकड़ों अवसर पा जाएंगे। आप चैनल पर आए इसके लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा ताकि भविष्य में भी आप और अधिक जानकारी युक्त वीडियोस को पा सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।